गाइस कैसे हो आप सभी लोग, वेलकम टू माय अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस मैं उतरता था स्टेडियम पे और यहाँ उतरते मेरे को मिलते हैं दो शॉटगन, एक पिस्टल और एक रियल शॉटगन। और मैं उतरती एक बंदे को डैमेज है लेकिन वो नीचे कूद जाता है, फिर मैंने सोचा दूसरे को, लेकिन भाई जब डैमेज है तो उसी को मारो। भाई मैं चला गया उसके पीछे और वो मेरे को मिला ठीक है, जहाँ पर मैंने उसे नॉकआउट किया। पीछे सामने से एक और बंदा है, मैंने इसलिए मैं पीछे आ गया, नहीं तो मैं भी मरता भी बहुत बुरी तरह। तो गाइस देखिए, और मैंने एक टारगेट रखा, अगर आप मेरे एक के सब्सक्राइबर करा देते तो मैं एक इलाइट पास का गिव अवे रखूँगा ऑफ पबजी लाइट एंड फ्री फायर। तो गाइस प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइए। और गाइस मैंने ये एक चीज़ नोटिस की कि कभी भी छोटे यूट्यूबर कभी भी हिट नहीं हो सकते, क्योंकि कल की तरह जितने भी मेरे थे तो 7 तो मेरे फ्रेंड्स ही थे और बाकी तीन थे, सब ने देखा ज़रूर है लेकिन सर्च करके देखा है। तो गाइज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। तो गाइज आगे बढ़ते हैं। तो गाइज यहाँ पर उतर मैंने UMP 45 ले ली थी और एक बंदे को डैमेज दिया था, लेकिन वो बच जाते, इसके बाद टीममेट को मैं नॉकआउट कर देता हूँ और उसका किल भी सिक्योर करता ताकि किल चोरी ना हो, क्योंकि पबजी में आप तो जानते हैं बहुत ज़्यादा किल चोरी होते हैं। और फिर गाइज मेरे को नीचे एक बंदा नॉकआउट मिलता है, मैं उसे भी किल उसका भी किल सिक्योर कर देता हूँ। गाइज जो इसका टीममेट था वो मेरे को बाहर मिलता है, को यहाँ पर उसके टीममेट को मारकर M4 मिल चुकी थी। और गैस वो सीन मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी थी और इतने लंबे में आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए कई बहुत सारी कटिंग की है, टोटल 5 कटिंग्स की है मैंने इस वीडियो में। तो गैस आप बुरा मत मानना, गैस क्या करें, आपको भी तो टाइम की अहमियत पता है, हमें भी टाइम की अहमियत पता है, इसीलिए मैंने आज वीडियो को कटिंग करके डाला। इसे मारने के बाद मैं जाता हूँ ड्रॉप के पास जहाँ पर एक बंदा था। और गाइज आप लोग ये नोटिस कर रहे होंगे कि मेरे पास क्विक स्कोप है, अगर आपको भी क्विक स्कोप चाहिए तो इस पे मैं एम रखता हूँ ओनली 10 लैक्स के लिए। अगर आप मेरे वीडियो पे 10 लैक्स करते हो तो मैं अगली बार क्विक स्कोप को लेकर वीडियो बनाऊँगा। था वो बंदा जो मेरे से बच जाता है, लेकिन मैंने इसे बाद में पकड़ लिया। तो भाई उसे मारने के बाद मैं जाता हूँ ड्रॉप के पास, पर यहाँ मुझे मिलते हैं MK14 जो मैं अभी यूज़ नहीं करता क्योंकि MK14 पे मेरा एम का भी अच्छा रहता है नहीं, जिसकी वजह से मैं मारा जाता हूँ। सो गाइस उसे मारने के बाद मैं आता हूँ अपार्टमेंट के साइड जहाँ पर कुछ बंदे थे और उन्हें मार कर मैं जाता हूँ सीधा थर्ड हिल के आगे वाले जो स्क्वाड हाउस है वहाँ पर। Enemy down. Enemy down.
सो गाइस मेरे को उनको मारने के बाद मैं तो ड्रॉप के पास, और ड्रॉप से मेरे को मिलती है ओम, जिसे लेकर मैं चला जाता हूँ थर्ड हिल के आगे वाले थर्ड थ्री स्टोरेज ट्रिपल स्टोरेज में, और वहाँ से मैं बंदों को शूट कर। एनिमी डाउन। उसे नॉकआउट करने के बाद मैं जाता हूँ उस पर रश करने, क्योंकि उसके वहाँ पर टीममेट्स भी थे, और वहाँ पर मैंने टोटल चार पूरे पूरे स्क्वाड को हराया है। और जब गाइस यहाँ पर मैं देख रहा होता तब पीछे से कोई गोली चलाता है, और मैं वहाँ पर चले जाता हूँ ताकि बंदे मेरे पे डैमेज ना दे। अगर मैं ये मैच हारता तो भाई मेरा केडी वैसे एकदम लॉस में चल रहा है, और भी लॉस में हो जाता। पता चल चुका था कि मेरे पास ओम है, इसलिए वो जाकर कवर में चले जाते हैं, जिसके चलते मेरे पास थोड़ा डैमेज, मैंने एक को तो डैमेज दिया, और उसके पास लेवल 3 की वेस्ट थी जिसकी वजह से वो बच गया। बस यहाँ पर मैंने दोबारा ट्राई किया पर उसे नहीं लगा, फिर मैंने दोबारा स्कोप ऑन किया और फिर उस पर दोबारा एम रखा। गाइस वो कहते हैं ना कि हर बार ही नाकामी कभी नहीं होती, मैंने दोनों को हराया, और फिर मैंने अपना हीलिंग किया जिसकी वजह से मेरा हेल्थ बहुत लो थी, अगर कोई मेरे पर 3-4 बुलेट्स और मारता तो मैं मर भी सकता था। बस गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए।